गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता देखो, जो आप प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करवाते हो मेन मेमोरी में होंगे प्रोग्राम्स, जब आपके एग्जीक्यूट होंगे, है ना। एग्जीक्यूशन मेन मेमोरी में होता है और मेन मेमोरी में आपके फ्रेम्स होते हैं जिनके अंदर पेजेस स्टोर होते हैं। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट आती है, आप पेज को सेकेंडरी मेमोरी में से मेन मेमोरी में लेके आते हो और वहां पर उनको एग्जीक्यूट करवाते हो, है ना। अब सपोज करो आपने कुछ प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करवाना है, आपने उनके कॉरस्पॉन्डिंग पेजेस को मेन मेमोरी में ले आए। शुरू में मेन मेमोरी आपकी खाली पड़ी थी और जब आप कुछ पेजेस को लेके आए, सीपीयू ने उनको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। आपका जो सीपीयू पहले आइडल पड़ा था, अब उसने कुछ प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कराना शुरू कर दिया। एग्जीक्यूट कराएगा तो कुछ ना कुछ उसकी एफिशिएंसी है जो वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। अब आपके पास मेन मेमोरी में बहुत सारे फ्रेम्स है, मतलब स्लॉट अवेलेबल है जहाँ पर आप पेजेस को रख सकते हो। अब आपको और प्रोग्राम्स की जरूरत पड़ी और मल्टीपल प्रोग्राम्स आप साथ में एग्जीक्यूट करवा रहे हो, तो आप उनके पेजेस को भी मेन मेमोरी में लेके आते हो और उनको भी एग्जीक्यूट करते हो, है ना। तो होगा क्या, जिसको हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होती है कि भाई, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इतने प्रोग्राम्स आपके एट ए टाइम मेन मेमोरी में है। अगर आपके इस मैं हॉरिजेंटली मैं इस ग्राफ में हॉरिजेंटली डिनोट करता हूँ डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, अगर हम लेफ्ट से राइट की साइड चलेंगे, हम मान रहे हैं कि वो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज हो रही है, और वर्टिकली मैं मान लेता हूँ कि परसेंटेज ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन, जब आप प्रोग्राम्स को मेन मेमोरी में लेके आ रहे हो, आपके पास स्पेस अवेलेबल है मेन मेमोरी में, तो आपका जो सीपीयू का यूटिलाइजेशन है वो आपका इंक्रीज होना शुरू होगा, है ना। आपके जो जितना स्पेस अवेलेबल है मेन मेमोरी में, तो आप लेके आते जा रहे हो प्रोग्राम्स को, ज्यादा कई सारे प्रोग्राम आपने पैरेलल एग्जीक्यूट करवा रखे हैं, सीपीयू मैक्सिमम परफॉर्मेंस तक जितनी उसकी लिमिट है वहां तक वो एग्जीक्यूट कर रहा है ना। तो उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद अगर आप और प्रोग्राम्स को लेके आ रहे हो, फिर आपकी एफिशिएंसी डाउन होनी शुरू हो जाएगी। फिर तो क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी है जो सीपीयू की एफिशिएंसी डाउन होनी शुरू हो जाएगी, जीरो नहीं होगी, टेंस टेंस टू जीरो कह लो, कि जीरो नहीं है लेकिन टेंस टू जीरो है। ये कोई पॉइंट आया ऐसा जिसको हमने लैम्डा बोल दिया या थ्रेशोल्ड बोल दो इसको, जिसके बाद आपकी मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज करोगे अगर आप उस पॉइंट के बाद, तो आपकी सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो डाउन होनी शुरू होगी। अब डाउन होने का रीजन क्या है, देखो मेन मेमोरी की एक लिमिटेड कैपेसिटी है पेजेस को होल्ड करने की, उससे ज्यादा वो पेज नहीं ले सकता। अब आप प्रोग्राम्स को लाए जा रहे हो, लाए जा रहे हो, लाए जा रहे हो, अब इतने पेज वो रख तो सकता नहीं, तो क्या होगा, पेज रिप्लेसमेंट होगा, बार बार पेज रिप्लेसमेंट होगा, हर बार सेकेंडरी मेमोरी में से मेन मेमोरी में आएगा, मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा, इस तरीके से बार बार पेज रिप्लेसमेंट होगा, क्योंकि आपके प्रोग्राम्स आपने इतने ज़्यादा एग्जीक्यूट कर दिए, इतने के लिए अपने पास स्पेस नहीं है, तो पेज रिप्लेसमेंट होना है, ऑब्वियस बात है। तो उस पॉइंट पे क्या होगा,
सीपीयू है जो वो मैक्सिमम टाइम पेज रिप्लेसमेंट करता रह जाएगा, वो एग्जीक्यूशन कम करेगा, वो पेज रिप्लेसमेंट ज्यादा करेगा, समझ रहे हो? वो अपना मैक्सिमम टाइम आपका पेज रिप्लेसमेंट में स्पेंड कर रहा है एग्जीक्यूशन की बजाय। इसी वजह से एक वो जो पॉइंट है ये आपका लैम्डा थ्रेशोल्ड है, जो इस लिमिट पर जाने के बाद, जो भी लिमिट होगी हर एक सीपीयू की अलग लिमिट हो सकती है, तो उसके बाद ड्रास्टिकली आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन डाउन हो जाएगा अगर आप उसके बाद मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज करते हो, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज करते हो। क्या ये बात समझ में आई? तो जो मेन काज है थ्रेशिंग का, काज ऑफ थ्रेशिंग, वो दो काज आपके बेसिकली। फर्स्ट है हाई डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, हाई डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, और सेकंड है लैक ऑफ फ्रेम्स, लैक ऑफ फ्रेम्स, फ्रेम्स का कम होना मेन मेमोरी में। कहाँ पर? मेन मेमोरी में। अगर मेन मेमोरी में फ्रेम कम है तो पेज रिप्लेसमेंट और जल्दी होने शुरू हो जाएंगे, फ्रेम्स ज्यादा है थोड़ा लेट पेज रिप्लेसमेंट होना शुरू होगा, है ना? तो ये मेन काज है। अब थ्रेशिंग आ रही है, आपका सीपीयू का यूटिलाइजेशन कम होता जा रहा है, तो उससे रिकवरी कैसे करोगे? रिकवरी फ्रॉम थ्रेसिंग। तो पहला जो है कि भाई अपने सिस्टम को थ्रेसिंग में जाने ही मत दो। जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम था कि जॉब्स को मेन मेमोरी में लेके आने का, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को इंस्ट्रक्ट करो कि भाई और जॉब ना भेजे। प्रोसेस स्टेट डायग्राम जो हमने किया था, शेड्यूलर्स देखे थे। अब हमने क्या करना है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कम करनी है, मतलब और प्रोग्राम्स को हमने एग्जीक्यूट नहीं करवाना। तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को डायरेक्ट करेंगे कि भाई और प्रोग्राम्स को मत भेज। अब उससे क्या होगा, आपकी थ्रेसिंग कम हो जाएगी। या फिर आप क्या कर सकते हो, जो प्रोग्राम्स ऑलरेडी मेन मेमोरी में है, आपने नोट कर लिया कि भाई थ्रेसिंग होनी शुरू हो गई है, आपकी सीपीयू यूटिलाइजेशन डिक्रीज होनी शुरू हो गई, तो आप क्या करोगे, मिड टर्म शेड्यूलर को बोलोगे कि भाई कुछ एक जॉब्स को आप सस्पेंड कर दो। सस्पेंड करेंगे तो भी कुछ आपकी मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है, वो डाउन हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इस तरीके से आप रिकवरी कर सकते हो थ्रेसिंग से। क्या ये क्लियर है?